आज हम जावा में एस्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं ये देखेंगे। एस्केप सीक्वेंस क्या है ये जानने से पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके उसमें हम कुछ लाइनें टाइप करते हैं। जब आप एक लाइन टाइप करते हो और उसके बाद दूसरी लाइन में आपको जाना होता है तो आप अपने कीबोर्ड पर एंटर की दबाते हो। इसी तरह से आपको अगर स्पेस छोड़नी हो या इंडेंट करना हो तो आप टैब की का इस्तेमाल करते हो। उसी तरह से सिंगल कोट या डबल कोट, इन सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनके लिए आप कीबोर्ड की कीज़ का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यही सारी चीज़ें अगर आपको अपने जावा प्रोग्राम के आउटपुट में दिखानी हो तो वो कैसे किया जाए, चलिए हम देखते हैं। जावा प्रोग्राम के अंदर हम दो लाइनें प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने जावा के आउटपुट स्टेटमेंट में दो लाइनें लिखी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर दो लाइनें लिखी यानी कि एंटर की का इस्तेमाल किया तो मेरे कंपाइलर में एरर मैसेज दिखाई देता है। ये एरर मैसेज लाल रंग की अंडरलाइन होती है। माउस का पॉइंटर उस जगह पर ले जाने पर हमको उस एरर मैसेज का टेक्स्ट दिखाई देता है। यानी कि जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उस समय हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को आप जावा के प्रोग्राम में नहीं लिख सकते। हमें तो ज़रूरत पड़ेगी कि एक लाइन लिखने के बाद हमें न्यू लाइन की दूसरी लाइन से शुरुआत करनी पड़ेगी और साथ ही दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब भी आपको जावा में नई लाइन लिखने की ज़रूरत है उस समय हमें \n इन दो कैरेक्टर्स को एक साथ लिखना पड़ता है, तो इसको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। जावा में ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे \n न्यू लाइन के लिए, \t हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, \\ अगर आपको \ ही प्रिंट करना हो अपने आउटपुट में तो उसके लिए दो बार \ देना पड़ेगा। उसी तरह से सिंगल कोट के लिए \ सिंगल कोट, डबल कोट के लिए \ डबल कोट। तो ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये हमें हमारे आउटपुट के टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो हम जब जावा में आउटपुट लिखते हैं तो system.out.print लिखकर उसके बाद हम एक ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के भीतर हम लिखते हैं जो भी हमें जावा के आउटपुट की तरह प्रिंट करना होता है। तो इसी के भीतर हम ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। जावा के अंदर आउटपुट लिखने के लिए हम system.out.print का इस्तेमाल करते हैं और कभी system.out.println का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप system.out.print लिखकर जो भी उसके आगे आउटपुट का सेंटेंस लिखेंगे तो वह उसी लाइन पर प्रिंट होगा। तो अगर मैंने system.out.print के दो स्टेटमेंट्स अगर लिखे तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स एक ही लाइन के अंदर प्रिंट होंगे, जबकि system.out.println जो है वो एग्जिस्टिंग लाइन में प्रिंट करेगा। कर्सर जिस जगह पर है उसी जगह पर वो उस सेंटेंस को प्रिंट करेगा, उसके बाद कर्सर जो है वो अगली लाइन में चला जाएगा। तो हम इसका एग्जांपल इस छोटे से प्रोग्राम से देख सकते हैं। उसके बाद जावा के कुछ अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस को हम ट्राई करके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बोथ दीज लाइन्स अपीयर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑन ए सिंगल लाइन। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लेट अस सी सम एस्केप सीक्वेंसेस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब अगर हम बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल टैब वहाँ पर क्रिएट करेगा। अगर मैं बैक स्लैश डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पर बैक स्लैश प्रिंट होगा। उसी तरह से बैक स्लैश और सिंगल कोट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो उसे सिंगल कोट और बैक स्लैश डबल कोट पर डबल कोट प्रिंट होगा। उसके साथ ही बैक स्लैश एफ नाम का एक एस्केप सीक्वेंस है जिसको फॉर्म फील्ड कहते हैं। तो आप जिस पेज पर प्रिंट कर रहे हो उस पेज को वो स्किप करेगा, यानी जहाँ तक प्रिंट हो गई है उसके बाद में वो तुरंत दूसरी पेज की शुरुआत में चला जाएगा। तो इस तरह से एस्केप सीक्वेंसेस को हम आउटपुट के लिए हमारे जावा प्रोग्राम में टाइप कर सकते हैं। अब हम इसको रन करके देखें। ये कोड मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दूंगा, आप चाहो तो उसे रन करके देख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होंगे, अगर आपकी किताब में दिए हैं तो आप उन्हें जावा के प्रोग्राम में ट्राई करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, अगले वीडियो में हम जावा के टोकन्स के बारे में जानकारी लेंगे।